हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। महंगाई के सताए आवाम को एक और झटका, पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 49 पैसे फी लीटर इजाफा, मिट्टी के तेल और डीजल की कीमत में 5-5 रुपए का इजाफा। वजारत पेट्रोलियम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, इतलाक रात 12 बजे के बाद होगा। कौम का मुस्तकबिल महफूज बनाने वाले गैर महफूज, कराची में खातून पोलियो वर्कर की इज्जत पर हमले की कोशिश नाकाम, खातून की शिकायत पर मुकदमा दर्ज, मुलजिम शराफत को पुलिस ने पकड़ लिया। पोलियो के कतरे पिलाने क्यों आए, हैदराबाद में शहरी का पोलियो टीम पर धावा, खातून वर्कर पर थप्पड़ों की बारिश कर दी, साथी पर लोहे की रॉड से हमला किया, पुलिस ने मुलजिम समेत 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया, वाकये का मुकदमा दर्ज। एहतसाब अदालत में पेशी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ कल लंदन से वतन वापसी के लिए रवाना होंगे, 3 नवंबर को नैब कोर्ट में पेश होंगे। नवाज शरीफ ने -1 फार्मूले को आवाम के कोर्ट में डाल दिया, कहा कि -+ का फैसला आवाम करते हैं, फर्दे वाहिद नहीं। -1 या +1 जो है, ये -+ जो है, ये आवाम के फैसले होते हैं, ये किसी इंडिविजुअल के फैसले नहीं होते हैं। नैब ने शरीफ खानदान के गिर्द शिकंजा कसना शुरू कर दिया, एहतसाब अदालत का नवाज शरीफ के दोनों बेटों हसन और हुसैन नवाज के असासे मुंजमित करने का हुक्म, दोनों मुलजमान 10 नवंबर तक अदालत में पेश ना हुए तो जायदाद जब्त करने की कार्रवाई का आगाज कर दिया जाएगा। एनआरओ हुआ तो नवाज शरीफ को 10 साल खामोश रहना होगा, जेल जाने के मशवरे देने वाले नवाज शरीफ के दोस्त नहीं, ओपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू, मियां साहब को पार्लियामेंटेरियन कमीशन बनाने का मशवरा, कहा कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात ठीक नहीं। नवाज शरीफ सजा से बचने के लिए एनआरओ करना चाहते हैं, इमरान खान का ट्वीट, कहा नवाज शरीफ को कौम के नुकसान का कोई एहसास नहीं, वो सिर्फ बैरून मुल्क अपने 300 अरब रुपए मुंजमित होने से बचाना चाहते हैं। सिंध में नौकरियां बेचने की खबरें हैं, अगर सियासत में दिलचस्पी होती तो वजीर आला बनने की फरमाइश करती, फरियाल तालपुर की प्रोग्राम आज राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू, कहा कि बिलावल बहुत मेहनत कर रहा है, अगला वजीर आजम वही होगा। बिलावल भुट्टो इस वक्त काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत करेगा और आगे आएगा और इस कौम को लीड करेगा। इसहाक डार के साहबजादे अली डार और हसनैन डार भी लंदन पहुंच गए, इसहाक डार के बेटों को एहतसाब अदालत ने तलब कर रखा है। सरजमीन पार्टी शहर कायद की बदलती सियासत की ड्रामा क्लीनर बन गई, मुकदमात में घिरे एमक्यूएम रहनुमा अरशद वोहरा पीएसपी में जाते ही गंगा नहा गए, मुकदमात से क्लीन चिट मिलने लगी, एफआईए ने मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे के उबूरी चालान से अरशद वोहरा का नाम ही निकाल दिया। पीएसपी एमक्यूएम का फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, 2018 तक मैच्योर होने के बाद सूद समेत हमें वापस मिलेगा, मेयर कराची कर दिया। हमने अकाउंट खोल लिया है सेफ डिपॉजिट का, जो 10 साल बाद या होता है ना डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट 10 साल बाद मैच्योर होता है, ये हम 18 के बाद मैच्योर कराएंगे इंशाल्लाह 18। डिप्टी मेयर अरशद बोहरा के पार्टी छोड़ने के बाद सिटी काउंसिल कराची का पहला इजलास हंगामा आराई की नजर, अपोजिशन की हुल्लड़बाजी, चोर चोर की सदाएं, मेयर कराची के खिलाफ नारे,
KMC बिल्डिंग के अतराफ नामालूम अफराद का एक्शन, वसीम अख्तर के खिलाफ बैनर्स लगा दिए गए। होशियार खबरदार, खुदकार असलहे का कंप्यूटराइज लाइसेंस जल्दी जल्दी बनवा लें। वजीर आजम की 31 दिसंबर तक गैर कंप्यूटराइज लाइसेंस मंसूख करने की हिदायत, नए लाइसेंस के इजरा की बासहूलत पॉलिसी तैयार करने की हिदायत। पाकिस्तान मोटर रैली गवादर पहुंचकर खत्म हो गई। आर्मी चीफ ने कहा, मोटर रैली पुरअमन और मुस्तहकम पाकिस्तान की मजहर है। इक्तसादी राहदारी एक बेमिसाल मंसूबा है। पाक फौज बलोचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हर मुमकिन तआवुन करेगी। पार्लिमानी रहनुमाओं का कौमी असेंबली की नशिस्तें 272 रखने पर इत्तेफाक। अयाज सादिक कहते हैं, आम इंतखाबात का वक्त पर इनेकाद अव्वलीन तरजीह है। नई हल्काबंदियों में 9 नशिस्तें कम होंगी। केपीके में कौमी असेंबली की 5 जर्नल और एक मखसूस नशिस्त। बलूचिस्तान में 3 सीटों का इजाफा होगा। वजारत खजाना ने टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी कर दी। टैक्स गोशवारे 15 नवंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। टैक्स अदा न करने पर FBI ने गुलकार राहत फतेह अली खान के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। राहत फतेह अली 33 लाख रुपए से जायद के नादहिंदा हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात, आसमा जहांगीर ग्रुप ने मैदान मार लिया। सैयद कलीम खुर्शीद 1145 वोट लेकर सुप्रीम कोर्ट बार के सदर मुंतखब हो गए। कायद आजम यूनिवर्सिटी आज खुली रहेगी। तदरीसी अमल मामूल के मुताबिक होगा। कायद आजम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर जावेद अशरफ का ऐलान। तलबा ने मुतालबात की मंजूरी तक क्लासेस के बॉयकॉट का ऐलान कर रखा है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आसमान पर छाई गर्दो गुबार की चादर से शहरी अजियत का शिकार होने लगे। धुंध के साथ धुआं मिलने से आंखों में जलन, गले में दर्द की शिकायत बढ़ने लगी। महकमे तहफ्फुज़ मोहलियात ने 144 इंडस्ट्रीज बंद करा दी।